आज खबरों में है कि एक कांस्टेबल की ट्रांसफर के लिए प्रदेश सरकार के 8 विधायकों ने जो है वो डीओ नोट दिया और मुख्यमंत्री ने उसके ऊपर जो है वो ट्रांसफर की और उसका संज्ञान लेते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने उस ट्रांसफर को रद्द किया। इससे ये सिद्ध होता है कि ये सरकार जो है वो कर्मचारियों के ऊपर दमनकारी नीतियों को अपना रही है, उनका प्रताड़न कर रही है। इस तरह से अगर कर्मचारियों को आप प्रताड़ित करेंगे, हो ये रहा है कि आज प्रदेश में जो ईमानदार अफसर हैं उनको साइडलाइन करके जो भ्रष्ट लॉबी है उसने इस सरकार के ऊपर जो है वो अपना पूरा वर्चस्व बना लिया है। मुख्यमंत्री जो हैं वो मूक दर्शक बनकर, खिलौना बनकर जो हैं वो एक विचारधारा के कुछ लोगों के हाथों में खेल रहे हैं। इससे प्रदेश के जो कर्मचारी हैं उनके ऊपर जो है वो एक गलत संदेश जाता है। कांग्रेस पार्टी इसकी कड़े शब्दों में निंदा करती है। आज स्थिति ये है कि प्रदेश में आप देखें कि सड़कों की हालत क्या है, आज स्वास्थ्य सुविधाओं की हालत क्या है, आज प्रदेश में खाद्य पदार्थों की कीमत क्या है। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि प्याज के दाम बढ़ गए तो प्याज मत खाओ। कल को भाई अगर आटा चावल के दाम जिस तरह से बढ़ रहे हैं और वो अगर बढ़ गए और आम आदमी की पहुँच से बाहर हो गए तो आप तो कहेंगे कि आप अनाज खाना भी छोड़ दो। ऐसा गैर जिम्मेदाराना बयान जो है वो मुख्यमंत्री द्वारा अगर दिया जाता है वो अशोभनीय है, जिसकी कांग्रेस पार्टी कड़े शब्दों में निंदा करती है। आज ये सरकार मूलभूत जो लोगों की समस्याएं हैं उनसे भटक कर जो है वो जनता का ध्यान भटकाने के लिए कभी छदम राष्ट्रवाद की बात करते हैं, कभी ये लोग जो हैं वो किसी और मुद्दे पे जिन पे जन भावनाएं भड़कें उनकी बात करते हैं, लेकिन जो लोगों के जनहित के मुद्दे हैं उनकी बात नहीं करते हैं, जिसकी कांग्रेस पार्टी कड़े शब्दों में निंदा करती है। हम इस बारे में जनता के बीच जाएंगे, सड़कों पे जाएंगे, ताकि सरकार के खिलाफ जो है वो जन आंदोलन खड़ा करके हम जनता के बीच भारतीय जनता पार्टी के इस रूप का, इस सोच का जो है वो पर्दाफाश कर सकें।